हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना। आगरा यूनिवर्सिटी में 26 मई से MBBS की परीक्षाएं आयोजित होनी थी, लेकिन उस परीक्षा को कोरोना को देखते हुए पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। मैंने आपसे पहले भी बोला है जून में परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती हैं, जुलाई में ही परीक्षाएँ होंगी। जुलाई में 12th की भी परीक्षा होनी है, जुलाई में फाइनल ईयर के भी एग्जाम होने हैं, उसी समय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो एग्जामिनेशन कराना कैसे पॉसिबल हो पाएगा। कोरोना के केस तो भले कम हो रहे, लेकिन ब्लैक फंगस के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में रोस्टर विधि अपनाई जा रही है, 50% इंप्लॉय ही आ रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी की पहली प्राथमिकता यही होगी कि पहले आपके रुके हुए रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाए, क्योंकि उसी के बेस पर जो है वो आपका प्रमोशन होगा। सत्र ऑलरेडी लेट हो चुका है, 12th के एग्जामिनेशन ही नहीं हुए हैं। 12th के एग्जामिनेशन ना होने की वजह से जो है वो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेट हो रहा है, और उसी हिसाब से उनके एग्जाम भी लेट होंगे। क्योंकि UGC के हिसाब से 8 अगस्त से फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने थे, जो UGC ने अपना सर्कुलर दिया था, लेकिन अभी तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने लिखा हुआ इसमें अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा बाकी को कराना पड़ेगा प्रमोशन। पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि CCU हो या फिर दूसरी विश्वविद्यालय, सभी में फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी कक्षाओं की परीक्षाओं में के लिए अब समय नहीं बचा है। अगर संक्रमण दर कम होने पर 20 जून से भी परीक्षाएँ कराई जाए तो 20 अगस्त तक परीक्षाएँ चलेंगी, फिर 1 महीने तक मूल्यांकन के बाद अक्टूबर में रिजल्ट जारी होगा। ऐसे में सभी दाखिला प्रक्रिया रुक जाएगी। ऐसे में अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं करा कर ही समय पर नए सत्र में एडमिशन हो जाए, तभी गनीमत मानिए। इस बार का सत्र पिछले साल से भी ज्यादा लेट हो चुका है, यूनिवर्सिटी अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है, सत्र बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। आगे लिखा है, कैंपस कॉलेजों में परीक्षाओं को लेकर के UGC को जून से पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है। प्रदेश सरकार कुलपति की 3 सदस्यीय रिपोर्ट ले चुकी है, विश्वविद्यालय भी अपना पूरा डेटा अलग अलग कर चुका है। फाइनल ईयर को छोड़कर कौन कौन सी कक्षा में कितने कितने छात्र हैं, इसका पूरा डेटा तैयार किया जाता है। देखिए, शासन को नया सत्र स्टार्ट होने के पहले UGC और शासन को एक रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें फाइनल ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, कितने एग्जाम लेने हैं, कितने बैक पेपर एग्जाम लेने हैं, उसी आपसे UGC को और शासन को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी भेजती है, और उसी को देख करके पूरा नया शेड्यूल तैयार किया जाता है। आपके आगे CCSU के बारे में लिखा है, आपके काम की बात यहां लिखी हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी है लागू। इस सत्र में जो एडमिशन होंगे उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू होनी है। इसमें वार्षिक की जगह BA, BCOM और BSc के सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। ऐसे में परीक्षाओं को अगले सत्र में पूरा सत्र भी लेट हो चुका है, पहले से पूरा सत्र लेट है। अब तक विश्वविद्यालय एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर देता था, लेकिन 12वीं पर ही कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब तक 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक एडमिशन प्रक्रिया में कोई मतलब नहीं है। ऐसे में उच्च शिक्षा हिद्वार पिछले सत्र से भी खराब स्थिति में है। रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा का कहना है, जब तक UGC से कोई गाइडलाइन नहीं आती तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। जब शासन अपनी रिपोर्ट UGC को देगा यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो UGC एक नया सर्कुलर जारी करेगी, क्योंकि पुराने सर्कुलर के हिसाब से 8 अगस्त से फर्स्ट ईयर के जो है वो एग्जाम होने थे, जो बहुत लेट हो चुके हैं। अभी तो एग्जाम ही नहीं होने, यूनिवर्सिटी एग्जाम होने थे तो 12th के एग्जाम नहीं हुए, तो एडमिशन कहां से हुआ। कई एंट्रेंस एग्जामिनेशनों को रोक दिया गया है कोरोना के चलते हुए, तो अभी जब तक नया सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यूनिवर्सिटी की पहली प्राथमिकता आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करना और सत्र को लाइन पे लाना होगा। तो आगे देखते हैं क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।